हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डियर स्टडी पॉइंट में। आज फिर से हम लोगों ने जैसा बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग एक और सेशन लेके आएंगे और आगे भी आते रहेंगे, लेकिन अभी हम लोग का फिलहाल अभी करंट में जो है इस वीक में ये हमारा लास्ट सेशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। फिर नेक्स्ट वीक हम लोग एक और प्रॉफिट एंड लॉस लेके आएंगे। तो अभी आज हम लोग सेशन शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। तो बिना देरी के सेशन शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले एज इट इज जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे बेल आइकन भी साथ में सब्सक्राइब के साथ कर लो, ताकि जो भी वीडियोज आए या जो भी हम लोग का लाइव स्ट्रीम हो वो तुम लोग तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन में देखो क्या दे रखा है। पहला सवाल देखो, पहला सवाल क्या है, ठीक है, बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:6। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है दो आर्टिकल का जो है वो किस रेशियो में है, 5:6 में है, एंड रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव क्वांटिटीज इज 3:4। क्वांटिटीज का भी रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 3:4 में दे रखा है। इफ ए सोल्ड एट 8% प्रॉफिट, ए जो है पूरा 8% पे बेचता है, बी जो है आधा को 15% पे एंड हाफ रिमेनिंग एट 5% प्रॉफिट, मतलब हाफ को 15 पे, हाफ को फिर 5 पे बेचता है, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। ओवरऑल मतलब क्या, ए और बी का। देखो यहां से ना तुम सबसे पहले एक चीज निकाल लो कि बी जो है अगर 15% पे आधा को बेचता है और रेस्ट को 5% पे बेचता है, तो पूरे को कितना पे बेचेगा, वो पूरे को वो 10% के प्रॉफिट पे बेचेगा। ठीक है, अब यहां से देखो क्या है, ए और बी है हम लोगों का, सीपी का बात करें हम लोग तो सीपी हम लोग यहां से ले लेते हैं 50 और यहां से ले लेते हैं 60, 5:6 में था। क्वांटिटी का बात करेंगे हम लोग तो क्वांटिटी का रेशियो दे रखा है तुमको 3:4 दे रखा है, तो इसको 3 और 4 मान लेंगे कि ए के पास 3 क्वांटिटी थी, बी के पास जो थी वो कितनी क्वांटिटी थी, 4 क्वांटिटी थी। ठीक है, फिर इसके बाद देखो क्या बोल रखा है कि ये जो ए जो है ये 8% के प्रॉफिट पे बेचता है और बी का हम लोगों ने अभी निकाला था 10% प्रॉफिट। ठीक है, ये सारा को जब तुम गुना कर दोगे तो ये सारा तुम्हें गुना होने के बाद क्या देगा, प्रॉफिट देगा। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट निकाल लो 50 × 3 × 8/100। ठीक है, तो यहां से 50 गुने में करोगे तो ये दो बार में कट जाएगा, 2 से 4 बार में, 4 × 3 हो जाएगा 12। ठीक है, इसमें आते हैं 60 × 4 × 10 बाई में कितना हो जाएगा, 400। 0 0 खत्म हो गया, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 और 12 जब ऐड करेंगे तो ये हम लोगों का क्या है, प्रॉफिट है। 24 12 ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा, बटे में 6 5 कितना हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा, 110 हो गया। हमसे ओवरऑल प्रॉफिट ही पूछ रखा है, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सीपी जाएंगे, तो सीपी जब हम लोग यहाँ टोटल आर्टिकल उठाए तो सीपी भी टोटल आर्टिकल का देखेंगे। यहाँ पे सीपी है 150 और यहाँ पे हो जाएगा 140, तो 150 प्लस में 6 × 24 240 जब हो जाएगा तो 36 बटे में कितना हो जाएगा, 390, और गुने में 100% निकाल देंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट निकल जाएगा। 0 से ये 0 काट दो, 3 से काट दो 12 बार में, और 3 से काट दो तुम इसे 13 बार में, तो ये तुम्हें क्या निकल के आ गया, 120 बटे में 13। 120 बटे में जब 13 आ गया तुमसे, तो तुमसे पूछ क्या रखा था, यही डेसिमल में पूछ रखा है। तुम देखोगे यहाँ पे, तुम डेसिमल में जब जाओगे इसे तो 9 पॉइंट में समथिंग आएगा। ऑप्शन में देखोगे तो 9 पॉइंट समथिंग तुम्हारे पास 2 है 8 2 है और 2 3 है, थोड़ा सा डिवाइड कर लोगे इसे तो 9 पॉइंट में 2 3% देगा, और यही हमारे इस सवाल का आंसर है, 9 पॉइंट में 2 3%। इस सवाल में बेसिकली हम लोगों को कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं लगाना है, ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल लेंगे और ओवरऑल सीपी यानी कि 50 × 3 और 60 × 4 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो निकल जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, बोल रहा है रश्मि सेल्स आर्टिकल्स ईच ऑफ विच हैव द सेम कॉस्ट प्राइस। ठीक है, रश्मि जो है आर्टिकल्स बेचती है, सभी आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। कितने आर्टिकल्स बेचती है ये नहीं पता मुझे। ठीक है, आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% रश्मि अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। जब आर्टिकल पे 20 का डिस्काउंट देती है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो मैंने फॉर्मूला पहले वीडियो में लिखाया था और यहाँ पे मैं इसे डायरेक्ट यूज करूंगा कि ये 120 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, यानी सीपी 80 हो जाएगा, ये 120 फॉर्मूला मैंने लिखाया था, 100 प्लस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई में 100 प्लस में क्या, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब आगे देखो आगे क्या हो रखा है, यहाँ पे आगे बोल रखा है सवाल में,
इफ ऑन अ पर्टिकुलर डे सी अर्न्ड अ प्रॉफिट इक्वल टू 100 कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल, किसी एक पर्टिकुलर दिन में उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो 100 आर्टिकल के सीपी के बराबर हुआ है। ठीक है, पूछ रखा है सवाल में बाय सेलिंग द आर्टिकल एट देयर मार्क प्राइस, जब उसे मार्क प्राइस पे बेच दे रहे हैं, तो मार्क प्राइस का चलो रेशियो के अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं, तो ये कैसा रोल प्ले कर रहा है, सेलिंग प्राइस का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो जब सेलिंग प्राइस का रोल प्ले कर रहा है तो देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 40 का प्रॉफिट हो रहा है। जब 40 का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने आर्टिकल्स पे प्रॉफिट करेंगे कि उसको उधर से जो प्रॉफिट हो रहा था वो 80 मतलब 100 आर्टिकल के सीपी के क्या हो रहा था, बराबर था। तो 100 आर्टिकल के सीपी के बराबर कर दिए इसका टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 40 है और एन आर्टिकल बेचेगा तभी उसका टोटल प्रॉफिट निकलेगा, और इधर से भी टोटल प्रॉफिट 40 से काट दिए दो बार में, एन का मान जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया हम लोगों का 200, और यही हमारे सवाल का आंसर है, एन की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 200 निकल के आ गई। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला क्या बोल रखा है हम लोगों का, सवाल में व्हेन अ बाइसिकल रिटेलर रिड्यूसेस हिज सेलिंग प्राइस बाय 50%, जब वो अपने सेलिंग प्राइस को 50% की कमी कर देता है तो नंबर ऑफ बाइसिकल इंक्रीज्ड सोल्ड इंक्रीज्ड बाय 600%, जो बाइसिकल सोल्ड हुआ वो 600% से बढ़ जाता है। मतलब अगर अभी हम एक बाइसिकल सोल्ड कर रहे थे तो एक का हम लोग 600% बढ़ा के जब निकालेंगे तो 700% निकालेंगे, 700% क्या हो जाएगा हमारा, 7 साइकिल हो जाएगा। इसके बाद क्या बोल रखा है सवाल में, इसके बाद देखो बोल रखा है, इफ ओरिजिनली द रिटेलर वाज गेटिंग 140% प्रॉफिट, ओरिजिनली स्टार्टिंग में जो है रिटेलर को 140% का प्रॉफिट हो रहा था, तो हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल में जो एसपी था वो था 240, और ये 240 ही मैंने क्यों माना, ये 140% से निकल के आया हमारा। ठीक है, या फिर तुम इसको ऐसे भी मान सकते हो कि लेट सीपी इक्वल टू 100 देन एसपी जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कितना, 240। जब इसमें 50% की वह कमी करता है तो ये कमी करेगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब क्वांटिटी का बात करें तो क्वांटिटी यहाँ पे एक बिक रहा है 600% अधिक जब करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल एसपी 240, अगर 100 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमको 140 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रखा है। ठीक है, और इधर आते हैं 12 × 7 = 840, तो अगर 100 एक साइकिल का सीपी है तो 7 साइकिल का सीपी कितना हो जाएगा, 700, और 700 के अकॉर्डिंग जब 840 को देखेंगे तो यहाँ पे भी 140 रुपए का प्रॉफिट हो रखा है हम लोगों का। जब प्रॉफिट ही हमारा इक्वल है तो हमारे प्रॉफिट में कोई परसेंटेज का इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे 0% का चेंज आएगा। तो 0% का जब चेंज आएगा हम लोगों का तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का, नन ऑफ दीज, 0% आपके ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है हम लोगों का। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला क्या है, अगला देखो क्या बोल रखा है, बोल रहा है सवाल में कि रिटेलर अलाउज अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% एंड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 6.25% ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस पे 2 डिस्काउंट देता है ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड गेट्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% का नेट प्रॉफिट देता है तुम्हें। ठीक है, बाय हाउ मच अबव द कॉस्ट शुड द प्रोडक्ट बी लेवल्ड फॉर सेल, मतलब मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट अधिक है। ऐसा सवाल मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था परसेंटेज मार्कअप से रिलेटेड, कि भैया उस केस में सक्सेसिव लगाना सीखो। कैसे सक्सेसिव लगाओगे, कि परसेंटेज मार्कअप जो होता है और परसेंटेज डिस्काउंट जो होता है इनका सक्सेसिव लगाते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, परसेंटेज प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, देखो यही सेम चीज हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और इसी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का 2 डिस्काउंट है, एक 20% का है, एक 6.25% का है, इसका एक सिंगल डिस्काउंट निकाल लेंगे 20 × 6.25। ठीक है, बाई में 100। ठीक है, यहां से डेसिमल हटा देते हैं, नीचे 100 आ जाएगा, 20 से 5 बार में कट जाएगा, 5 से इसे काटेंगे तो ये 125 बार में कटेगा। ठीक है, 125 जब हो गया हम लोगों का यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो -20 - 6.25 और इसी को प्लस में 1.25 लिख सकते हैं क्या। अब यहां से जब घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा और यहां से हम लोग को सिंगल डिस्काउंट जो निकल के आ गया वो 25% निकल के आ गया। ठीक है, फिर से वही इतिहास दोहराएंगे जो हम लोगों ने पहला पार्ट में देखा था। अगर नहीं देखे हो पहला पार्ट जाके देखो, मैंने इस चीज को पूरा एक्सप्लेन कर रखा है ना।
अब यहाँ से देखो यहाँ पे क्या है हम लोगों का, हमसे मार्कअप परसेंटेज निकालने बोल रहा है, जिसको हम लोग मान लेते हैं एक्स परसेंट पे मार्कअप किया, 25% का डिस्काउंट दिया और 25 गुने में एक्स वाई में 100 लगा दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 25 गुने में एक्स वाई में 100 जब लगा दिया तो हमसे क्या पूछ रखा और क्या दिया हुआ था वहां पे कि नेट प्रॉफिट जो है वो 20% का है। तो नेट प्रॉफिट देखो 20% का आ गया हमारा। अब यहां से 25 से 4 कर देंगे, 4x में x चला जाएगा तो 3x बटे में 4 होगा और 25 उधर कर देंगे तो 45 हो जाएगा हमारा। 3 से काट देंगे 15 बार में और x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 60%, यानी कि हम लोगों ने कितना अधिक पे मार्कअप किया था, 60% अधिक पे मार्कअप किया था। और यही इस सवाल का आंसर है और यही सबसे बेस्ट तरीका है, मैं दावा ठोक के कह रहा हूं इस टाइप के सवाल को बनाने का, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि अगर कमांड पाना है मैथ्स में, ठीक है, तो मैथ्स में कमांड पाना है तो कोई एक ऐसा एंटिक चीज पकड़ो जिससे तुम्हारा लगभग में सवाल सॉल्व हो जाए। थोड़ा सा सक्सेसिव से रिलेटेड सवाल को बना लोगे तो जितने भी टाइप के सवाल जहां पे तुम अटकते हो, बहुत सारे ऐसे सवाल है, लगभग मैं बोलूं तो 60-70% ऐसे सवाल है जहां तुम सक्सेसिव से बना के आसान कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स मैं अभी तुम्हें बताते जा रहा हूं और देखते जाओ इस चीज को, तुम्हें समझ में आ जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हारे पास आए ना तो उसे इम्प्लाई जरूर करना अपने बनाने के क्रम में, तब जाके वो तुम्हारे लिए इफेक्टिव होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या है हम लोगों का बोल रखा है सवाल में, देखो अगला हम लोग का डीएस है, क्या बोल रखा है सवाल में, द मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल इज 1500, ठीक है। हम लोग सिर्फ समझेंगे कि कैसे निकालना है, ए और बी दो ऑप्शन दे रखा है तुम लोगों को। वहां पे बोल रहा है मार्क प्राइस जो है एक टेबल का वो 1500 है, इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25% आर गिवन। तो अब एक चीज समझो, तुमको दिए हुआ है कितना मार्कअप, ठीक है, मार्कअप मार्क प्राइस दिए हुआ है 15, परसेंटेज डिस्काउंट दिए हुआ है वो दिए हुआ है तुम्हारा 20% एंड एक और दिए हुआ है वो दिए हुआ है 25%, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर का जो कॉस्ट प्राइस क्या है ये निकालना है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस टू स्टेटमेंट तुम्हें पता है कि मार्क प्राइस पे तुम डिस्काउंट दोगे तो तुम्हारा क्या निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो पहला कॉलम क्या बोल रहा है, द शॉपकीपर्स प्रॉफिट इज 15% ऑफ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का ही 15% प्रॉफिट है तो ठीक है भैया, यहाँ से सेलिंग प्राइस हम लोग का निकल जाएगा तो सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सीपी निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट से तो आ गया सीपी हम लोगों का। दूसरा हम लोगों का क्या है कि शॉपकीपर जो है 20% के प्रॉफिट पे बेचता है कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस पे 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं हम लोगों का। जब 20% कॉस्ट प्राइस पे बेचता है तो यहाँ से हम लोग का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, सीपी पे 20% का प्रॉफिट हम लोग का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। फिर से हम लोग का ये निकल गया हम लोग का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इधर स्टेटमेंट 1 से या इधर स्टेटमेंट 2 से। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में बताना है कि पहले नंबर से कॉस्ट प्राइस क्या आएगा और दूसरे नंबर से कॉस्ट प्राइस क्या आएगा। और मैं हर एक कमेंट को जरूर बताऊंगा, अभी भी तुम्हारे पास जब वीडियो लाइव स्ट्रीम हो रही है, 2 मिनट का मैं रुक जाऊंगा अभी, अभी कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या होने वाला है, पहला स्टेटमेंट से सीपी क्या आने वाला है, सेकंड स्टेटमेंट से सीपी क्या आने वाला है, ठीक है। क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो है तुम्हारा, वो स्टेटमेंट तुम्हारा एसपी पे बोला है प्रॉफिट निकालने के लिए और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सीपी पे बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो इस चीज को तुम्हें ध्यान में रखना है, प्रॉफिट सीपी तो दोनों ही तरीके से निकलेगा क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन पहला प्रॉफिट जो है वो ध्यान से देखो वो क्या चीज पे है तुम्हारा, सीपी पे है। सेकेंड प्रॉफिट जो है वो सेकेंड स्टेटमेंट जो प्रॉफिट है वो तो सीपी पे है, सीपी पे ही, पहला वाला जो है वो एसपी पे है, ठीक है। चलो उसे सॉल्व कर लेना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखो क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का, आफ्टर रिसीविंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% 20% 25% एमपी ऑफ फर्नीचर, मोहिनी परचेज इट फॉर 9720, ठीक है, 9720 पे परचेज करती है, डिटरमाइन द एमपी ऑफ द फर्नीचर, एमपी क्या है हम लोगों का ये बताना। देखो इसका एक सिंपल सा अगर स्टेटमेंट में जाओगे तो मार्क प्राइस ऐसे लिख दो, सबसे पहला डिस्काउंट तुमने ऑफर किया 10 का तो 90/100, फिर तुमने ऑफर किया 20 का तो 80/100, फिर तुमने ऑफर किया 25 का तो 75/100, और इस तरीके से उसने कितना में खरीदा, 9720 में खरीदा। तुम यहां से भी आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें भी काटना छाटने में। देखो यहां से भी तुम कर लो, 0000 यहां से खत्म हो गया 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, ठीक है। अब यहां से क्या करो, तुम इसे 3 से ही सबसे पहले काटो या 9 से भी काट दो,
9 से काटोगे तो एक बार में 0 बार में 8 और यहां से एक 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 8 से भी काट सकते हो, 9 से भी, यहां 9 3 से काट दो तुम, 3 से जब काटोगे इसे तो 3 से ये कट जाएगा 3 बार में और 6 बार में 0 बार में, ठीक है। अब यहां 4 से देखो तुम इसे काट दो 2 बार में, 2 से इसे काट दो तुम 18180 बार में, तो मार्क प्राइस क्या निकल के आ गया तुम्हारा 180000 निकल के आ गया। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। लेकिन हम लोग का क्या है ना कि इसमें भी हम लोग सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव जो है सिर्फ दो चीजों पे सीमित नहीं है, और सक्सेसिव का एक खास बात क्या है कि उसमें ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमको जो कन्वीनियंट लगेगा वो लगाएंगे। देख लो सक्सेसिव के फॉर्मेट से भी 10% है हमारा, 20% है हमारा और 25% है हमारा। हम क्या करते हैं पहले 25-20 का सक्सेसिव लगाते हैं, -25 -20 करेंगे और माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे 25 × 20/100। तो देखो क्या देगा हम लोगों को ये 25 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 5 बार में, 20 20 45 45 में 5 चला जाएगा 40% आ गया यहाँ पे। 40 को फिर से 10 के साथ लगा देंगे तो 40 × 10/100 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 0 खत्म। 50 में 4 चला जाएगा तो 50 में 4 जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 46%, ठीक है। 46 जब तुम्हारा आ गया तो यहाँ पे 46 का तुम्हारा क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। जब 46 का कमी हो रहा है तो तुम उसको बेच कितना पे रहे हो, 54% पे बेच रहे हो। 54% की वैल्यू दी हुई है 9720, तुम 1% डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हो, 18180 आ जाएगा। 100% निकाल दो, 100% कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना कि इन तीनों का कोई जरूरी नहीं है कि हम यही क्रम में ले 10 20 20 25, ऐसे ही किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला देखो क्या है। देखो क्या बोल रहा है अगला सवाल में, बोल रखा है ए शॉपकीपर मार्क टू आइटम ए एंड बी 20% and 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ए आफ्टर 40% डिस्काउंट इज 144 एंड इज 168 लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम बी। मतलब आइटम बी का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 144 प्लस में क्या 168 हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है आइटम बी को जो आप बोल रहा है आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ना मानना शुरू करते हैं, सबसे पहले सीपी किसका किसका, ए का और बी का लिख दिए। सीपी अगर हम लोग दोनों का ही चलो 100 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 20% अधिक जब मार्कअप करेंगे तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 130, ठीक है। फिर हम लोगों का क्या बोल रखा है सवाल में कि सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ए इज आफ्टर 40% डिस्काउंट। तो 40% का जब हम लोग इस पे डिस्काउंट देंगे तो 40% का डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, 72 रुपीज में, 72 यूनिट में इसे बेचेंगे। और इसी की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, इसी 72 की वैल्यू दे रखी है 144 रुपीज। मतलब क्या हो जाएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, तब जाके ये सारा जो है किस चीज में आ जाएगा, हमारा रुपीज में आ जाएगा। अब बी के लिए आते हैं, बी में क्या बोला कि बी से 168 कम है, तो बी का कितना हो जाएगा 144 168 ऐड कर देंगे हम लोग। ऐड जब करेंगे हम लोग तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 312, ठीक है। 312 जब हम लोगों का एसपी हो जाएगा तो बी जो बेच रहा था वो 20% का छूट देने के बाद बेच रहा था, तो 20% का जब तुम इसमें से छूट लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 104 यूनिट हो जाएगा। और इसी 104 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 312 है, ठीक है। तो गुने में यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे भी तुम गुने में 3 कर दोगे तो ये रुपीज में हो जाएगा, यहाँ भी गुने में 3 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, रुपीज में हो जाएगा, ठीक है। अब तुमसे देखो क्या पूछ रहा है, दोनों वस्तुओं को एक साथ बेचने पे कुल लाभ या हानि बताना है। मतलब दोनों को जब साथ में बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस जब बोथ का बोल रहा है, टोटल प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग बोथ आइटम टुगेदर, साथ में जब बेचेंगे तो देखो, तो यहाँ से 200 यहाँ से 300, यानी कि सीपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 500 हो जाएगा। यहाँ से देखो 72 और यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी 72 × 2, यानी कि यहाँ पे तो तुमको दिए हुआ है 144 और यहाँ से 312, ठीक है। तो ऐड करोगे तो 6 4 1 5 3 और 1 4, 456 हो जाएगा, यहाँ 500 हो जाएगा। 500 से जब इसे कमी करोगे तो कितने की कमी होगी, यहाँ पे 44 रुपए की कमी होगी। और यही हमारे सवाल का आंसर है कि हमारा 44 रुपए का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एसपी हमारा क्या है, सीपी से कम है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला देखो क्या है।
चलो देखो अगला क्या है। नेक्स्ट बोल रखा है हम लोग का सवाल में, शॉपकीपर मार्क्ड हिज बुक अप बाय 60% ऑन इट्स प्रीवियस सेलिंग प्राइस। प्रीवियस सेलिंग प्राइस पे वो 60% का अधिक मार्क करता है, ठीक है, एंड सोल्ड इट टू अनदर कस्टमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन द न्यू मार्क प्राइस। न्यू मार्क प्राइस पे 40%। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ओल्ड एसपी, ओल्ड एसपी अगर हम लोग 100 मान लेते हैं तो न्यू मार्क प्राइस जो हो जाएगा हम लोगों का वो क्या बोल रखा है हम लोगों को 60% अधिक, यानी कि कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 40% के डिस्काउंट पे इसे बेच देता है, तो 40% का डिस्काउंट मतलब क्या 160 का 60%, 16 कितना हो जाएगा 96, यानी कि 96 यूनिट पे वो क्या कर रहा है बेच दे रहा है, ठीक है। जब बेच दिया 96 पे तो बोल रहा है इफ द प्रॉफिट मेड आफ्टर दिस डिस्काउंट, जो डिस्काउंट दिया गया उसके बाद जो प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है हमारा 96 का, तो 12 से काट देंगे 8 बार में, तो सीपी जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 80 रुपीज। सीपी 80 रुपीज निकल के आ गया हम लोगों का, तो हमसे क्या पूछ रखा है उसके बाद सवाल में, बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर व्हेन ही सोल्ड इट टू अनदर कस्टमर आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द सेम मार्क प्राइस। इस पे जब वह 20% का कमी करेगा, तो 20% का कमी करने का मतलब क्या है कि 128 रुपया पे वो बेचेगा, तो आपको बताना है कि कितने का आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट हो रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 80 से जब तुम करोगे तो यहाँ पे तुम्हें 48 का प्रॉफिट हो रहा है, बटे में 80 कर दो गुने में 100 कर दो, तो 20 से काट दोगे तो 4 बार में, 20 से काट दोगे तो 5 बार में, 4 से काटोगे तो 12 बार में, 12 25 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और तुम्हें 60% का क्या हो रखा है प्रॉफिट हो रखा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का 60% एंड योर आंसर इज 60, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला देखो क्या है। मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से जो है वो 50% अधिक है और 40% का डिस्काउंट देता है, और सेलिंग प्राइस बन जाता है 180, तो हमसे क्या पूछ रखा है सवाल में प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए। सिंपल सी बात है भाई, हम लोग इसमें ज्यादा मेहनत क्यों करें, सेलिंग प्राइस का तो इसमें यूज ही नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि हम लोग सक्सेसिव लगाना जानते हैं। मार्कअप परसेंट 50 है और 40 का डिस्काउंट दिया माइनस में 50 गुने में 40 बटे में 100, ठीक है। तो 0 0 खत्म हो जाएगा यहां से, 50 में 40 जाएगा 10 माइनस में 20, यानी कि क्या हो रहा है 10% का क्या हो रखा है लॉस हो रखा है। पहला क्वांटिटी निकल गया हम लोग का। सेकंड क्वांटिटी में देखो क्या है, सेकंड क्वांटिटी में बोल रहा है पी स्क्वायर माइनस में 19 पी प्लस में 90 इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस 10 माइनस 9 में पी की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी प्लस 10 और क्या निकल के आ जाएगी प्लस 9 निकल के आ जाएगी। तुम्हें मैंने क्वांटिटी वन या मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज इस टाइप के सवाल में मैंने समझाया था पार्ट वन में, जिन लोगों ने नहीं देखा है फिर से जाके देखो, सारी इंपॉर्टेंट चीज जो है मैंने उसमें बता रखी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हम लोग को ये माइनस और ये साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम लोग को क्या करना है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर करना है। तो 10 की कंपैरिजन जब हम लोग 10 से करेंगे तो बराबर मिलेगा, 9 से करेंगे तो बड़ा मिलेगा, यानी क्वांटिटी वन जो है वो बड़ा और बराबर दोनों है क्वांटिटी टू से, और यही हमारे इस सवाल का आंसर है, क्वांटिटी वन इज ग्रेटर इक्वल क्वांटिटी टू, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला क्या है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रखा है तुम्हारा सवाल में, नेक्स्ट बोल रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 बैग ए बी सी इज इन द रेशियो 2:3:4। तीन बैग है हमारे पास, ए बी और सी है, इनका कॉस्ट प्राइस जो है वो 2 है 4 है और 3 है, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है वो दे रखा है तुम्हारा, ऐसे लिख दो यहाँ पे तुम ए बी और सी लिख दो, ए बी सी है तुम्हारा 2, 4 और 3 है, ठीक है। सीपी तुम्हारा मालूम हो गया, एसपी में आ जाओ, एसपी तुम्हारा क्या है, एसपी का रेशियो दे रखा है 3, 7 और 6 दे रखा है, ठीक है। इसके साथ तुम एक्स लगा दो सब में, और इन सभी के साथ तुम क्या लगा दो वाई लगा दो, ठीक है, वाई लग गया हम लोगों का। यहाँ पे बोल रहा है प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग बैग बी, बैग बी को जब हम लोग बेचेंगे तो 25% यानी कि 125 बटे में 100 हो जाएगा हम लोगों का, और सेलिंग प्राइस कितना है 7y है, यहाँ से 5 यहाँ से 4 4 से 4 खत्म, xy में y बराबर में 7y में 5 आ जाएगा। जैसे ही ये डेटा निकल के आया
इन सभी को तुम क्या करोगे, 7 से गुना कर दोगे, इन सभी को तुम क्या करोगे, 5 से गुना कर दोगे। ठीक है, तुम्हारा सवाल बनाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। देखो क्या दे रखा है आगे सवाल में, पूछ रखा है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इनकर्ड ऑन बैग सेलिंग बैग ए एंड सी। ए और सी पे जो प्रॉफिट और लॉस हुआ उसका तुम्हें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। यहाँ पे तुम्हारा इसकी वैल्यू 7 × 2 = 14, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। यहाँ से प्रॉफिट 1 का हो रहा है तो 1/14 गुने में तुम क्या कर दोगे, 100। इतना परसेंट आ गया इसका डिफरेंस। यहाँ से देख लो, 7 + 3 यहाँ पे 21 हो रहा है, 6 + 5 यहाँ पे 30 हो रहा है। 21 और 30 जब हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा 9 का प्रॉफिट हो रखा है। तुम्हारा 9 का जब प्रॉफिट हो रखा है तो 9/ क्या कर दो, 21 कर दो और गुने में क्या कर दो, 100 कर दो। ठीक है, 3 से काट दो 3 बार में, 3 से काट दो 7 बार में। तुम्हें बेसिकली इन्हीं दोनों का जो है वो क्या निकालना है, अंतर निकालना है। ठीक है, और अंतर तुम मॉड लगा के ही निकालोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देखो, ये 14 है, ये 7 है, तो इसको 14 बनाने के लिए 2 और ऊपर भी 2 से गुना कर दे, 3 × 2 = 6 में 1 चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 5/14 गुने में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1/14 जो होता है तुम्हारा वो होता है 7 whole 1/7%। तो 5 गुने में 7 whole 1/7% कर देंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 35 whole 5/7%। और यही हमारे इस सवाल का आंसर है, 35 whole 5/7, जिसको 35 point में 71% दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चीजों को आसान कर सकते हैं जस्ट रेशियो में बैठा बैठा के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखो क्या है। अगला देखो क्या बोल रखा है हम लोगों को सवाल में, अगला बोल रखा है फिर हम लोग का मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज है। क्या दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस इनकर्ड बाय शॉपकीपर इफ ही यूजेस 900 ग्राम वेट एज 1 kg बट गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 900 ग्राम यूज करता है लेकिन साथ में क्या होता है, 10% का डिस्काउंट भी देता है। तो इस टाइप के सवाल में हम लोग हमेशा क्या जानते हैं कि 1000 ग्राम का दाम हम लोग कॉस्ट प्राइस जो है वो मान लेते हैं कितना, 1000 रुपए। ठीक है, इस पे वो 10% का डिस्काउंट लगा के दे रहा है तो वो क्या दे रहा है, 900 रुपए में दे रहा है। साथ ही साथ वो 900 ग्राम ही तौल रहा है, मतलब 900 ग्राम के लिए वो 900 रुपए ले रहा है। 900 ग्राम का अगर हम लोग सीपी निकालना चाहें तो 900 ग्राम का सीपी कितना निकल के आ जाएगा हम लोगों का, 900 रुपए निकल के आ जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस की तुलना तब करेंगे जब आर्टिकल हमारा इक्वल होगा। यहाँ खरीद के भी लाए 900 पे और बेचे रहे भी 900 पे, तो कितने का फायदा हुआ, 0% का फायदा हुआ। पहला क्वांटिटी निकल गया हम लोगों का कितना, 0%। सेकंड क्वांटिटी में आते हैं, सेकंड क्वांटिटी देखिए क्या, प्रॉफिट एंड लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग व्हेन ही सेल्स 2 आइटम एट द सेलिंग प्राइस बट 1 at 10% लॉस। ठीक है, एंड द अदर एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, क्या बोल रखा है सवाल में कि प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड बताना है व्हेन ही सेल्स 2 आइटम एट द सेम सेलिंग प्राइस पे दोनों आइटम को बेच रहा है। जब एक पे उसको क्या हो रहा है, 10 का लॉस हो रहा है, एक पे 10 का प्रॉफिट। इसके लिए भी हम लोग जानते हैं सक्सेसिव लगता है, 10 + 10 − 10 × 10 = 10/100 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 0000 खत्म हो जाएगा, तो ये आ गया -1%। फिर से मैं तुम्हें बता दूं कि हमें निगेटिव वैल्यू को कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंपेयर करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी 1 जो है क्वांटिटी 2 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्या। नेक्स्ट देखो क्या बोल रखा है सवाल में, बोल रखा है डिसऑनेस्ट सेलर बाउट 1 kg ड्राई फ्रूट्स एट सम कॉस्ट। ठीक है, एक डिसऑनेस्ट सेलर जो है 1 kg ड्राई फ्रूट खरीदता है कुछ दाम पे, सच डैट की सेलिंग प्राइस ऑफ 2 kg ड्राई फ्रूट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 kg। 2 का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 3 के CP के बराबर है, तो SP/CP जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3/2। प्रॉफिट 1 का हो रहा है तो परसेंटेज प्रॉफिट जब निकालोगे तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1/2 × 100, दैट इज नन अदर देन 50%। ठीक है, यानी कि तुम 50% का वहां पे प्रॉफिट गेन कर सक रहे हो। आगे देखो क्या बोल रखा है आगे सवाल में, बट ही क्लेम्स दैट ही सेलिंग 1 kg ड्राई फ्रूट बट ही यूजेस फॉल्स वेट ऑफ 200 ग्राम। मतलब वो 200 ग्राम क्या करता है, कम तौलता है। मतलब क्या हो गया, फिर से उसी टाइप का सवाल, 1000 ग्राम का जो हमारा सीपी हो जाएगा वो 1000 रुपए हो जाएगा और हम बेच रहे हैं 800 ग्राम ही। 800 ग्राम को हम क्या कर रहे हैं, कितने के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, 50% के।
तो 50% पे बेचेंगे तो एक काम करो इसे 100 ही मान लो, तो 100 मानोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 150 रुपया हो जाएगा। तुम यहाँ से 800 ग्राम का फिर से तुम क्या निकालोगे, सीपी निकालोगे, तो सीपी 800 ग्राम का जब तुम निकालोगे तो 1000 ग्राम का 100 रुपया, तो 800 ग्राम का 80 रुपया हो जाएगा तुम्हारा। अब तुमसे पूछा कितने की प्रॉफिट हो रही है, तो कितने की प्रॉफिट हो रही है देखो, तो यहाँ से तुम्हारा 700 का 70 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट जो निकालोगे वो क्या निकालोगे, 70/80 गुने में कितना कर दोगे, 100 कर दोगे, तो 0-0 खत्म हो गया। अब 7/8 है, तो 7/8 के लिए 1/8 तुम 1/8 लिख सकते हो, 1 का मान होता है 100% और 1/8 का मान होता है 12.5%, और जिसको घटाने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाता है 87.5%, और यही हमारे सवाल का आंसर है 87.5%। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बोल रखा है हम लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, बोल रखा है प्रॉफिट ऑन अ बैग इज 600 एंड द परसेंटेज डिस्काउंट ऑन इट इज 10%, 10% का डिस्काउंट देता है। इफ इट इज सोल्ड एट 25% डिस्काउंट देन इट गिव्स 25% प्रॉफिट, यदि वह 25% के डिस्काउंट पे दिया जाता तो उसे 25% का प्रॉफिट होता। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मार्क प्राइस और सीपी का जो है रेशियो निकाल लेते हैं। मार्क प्राइस हो जाएगा 125 और सीपी हो जाएगा हमारा 75। फॉर मोर डिटेल्स ऑफ दिस फॉर्मूला वॉच पार्ट वन, ठीक है, पार्ट वन को देखना है, ताकि यहाँ पे तुम्हें जितने भी कंफ्यूजन है इस चीज में वो सारा जो है तुम्हारा वहाँ पे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से देखो 25 से ये 5 बार में, 25 से ये 3 बार में। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रखा है सवाल में, बोल रखा है कि प्रॉफिट जो है वो 600 होता है कब, जब 10% का डिस्काउंट होता है तब, यानी कि 5x पे जब 90% का डिस्काउंट मिलता है तो आपको जो होता है वो 600 का प्रॉफिट होता है। तो दोनों ही कंडीशन में देखो, ये भी एसपी हो गया हमारा, ये भी एसपी हो गया हमारा, 0-0 यहाँ से काट देंगे तो ये हो जाएगा 4.5x और माइनस में 3x इज इक्वल टू 600। 1.5x इज इक्वल टू 600 हो जाएगा, और डेसिमल हटा देंगे तो इधर 0 बढ़ जाएगा, 15 से काट दो इसे, 400 बार में कट जाएगा, x की वैल्यू निकल के आ गई 400 निकल के आ गई। x जब 400 निकल के आ गया तो हमसे क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द डिस्काउंट ऑन बैग इफ इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 450, डिस्काउंट कितने का होगा जब उसे 450 के प्रॉफिट पे बेचा जाए तो। ठीक है, तो 450 के प्रॉफिट पे जब बेचा जाए तब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले सीपी निकाल लेते हैं, तो 400 × 3 करेंगे तो 1200 हो जाएगा, 1200 हम लोगों का सीपी है, और एसपी निकालेंगे तो 450 का प्रॉफिट लेके बोल रहा है, तो 450 जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1650 हो जाएगा हम लोगों का, 1650 हो गया। हम लोग यहाँ से मार्क प्राइस निकाल लेते हैं, मार्क प्राइस करने के लिए क्या करेंगे, 400 से गुना कर देंगे, 400 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2000। अब कितने का डिस्काउंट हुआ 2000 और 1650 में, तो 350 रुपये का डिस्काउंट हुआ, और यही हमारे सवाल का आंसर है, कितना आंसर है 350। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर, आखिरी सवाल हम लोगों के सेशन का क्या है, हमारा आखिरी सवाल देखते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फिर से बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास सबसे पहले आ सके, जब हम लोग लाइव स्ट्रीम करें तो तुम्हारा सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके और तुम जुड़े रहो स्टार्टिंग से लेके अंत तक। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन को देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है हमारा, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 300, आर्टिकल जो है 300 के डिस्काउंट पे बेचता तो उसको 50% का क्या होता, प्रॉफिट होता। ठीक है, ध्यान से समझना, आर्टिकल को जब 300 के डिस्काउंट पे बेचता तो उसको 50% का प्रॉफिट होता, यदि उससे 65% का प्रॉफिट चाहिए तो उसे केवल 240 का डिस्काउंट पे बेचना होता। तो डिस्काउंट में कमी जो आया वो किसके वजह से आया, प्रॉफिट की वजह से आ रहा है। कितने का प्रॉफिट चेंज हो रहा है परसेंटेज में, 15 का चेंज हो रहा है, और डिस्काउंट में कितने का चेंज हो रहा है, 60 का चेंज हो रहा है। तो तुम्हें ये 15% की ही ना वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 60 रुपीज दे रखी है। तो यहाँ से तुम्हारा 1% का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, 100% की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी, 100% की वैल्यू हो गई 400 रुपीज। और उसके बाद क्या दे रखा है तुम्हारा सवाल में, बोल रखा है If it is sold at 90% profit, then what is the discount on it? ये जो हम लोगों का निकला, ये क्या निकल के आया हमारा, CP निकल के आया। अगर बोल रहा है 90% के profit पे बेचते,
तो 90% के प्रॉफिट पे जब बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 गुने में 90, यानी कि 90 400 गुने में 90% यानी क्या हो जाएगा 190 बाई में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 00 काट दो यहाँ से और ये हमारा हो जाएगा 760 रुपए और ये हमारा यहाँ से एसपी निकल गया। अब हमसे क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट के लिए हमें क्या चाहिए, मार्क प्राइस चाहिए। ठीक है, मार्क प्राइस देखो तुम्हारा कैसे निकल के आएगा। मार्क प्राइस के लिए तुम्हें क्या बोल रखा है, कोई भी पहला वाला स्टेटमेंट पकड़ लो कि यदि 300 का डिस्काउंट देते तो उसे 50% का क्या होता, प्रॉफिट होता। तो 50% का प्रॉफिट होता कब, मार्क प्राइस पे जब 300 का डिस्काउंट देते तब। तो 50% का प्रॉफिट इसी 400 पे होता, यानी कि 150 बटे में कितना 100। तो 00 यहां से 600 हो गया, तो मार्क प्राइस जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया 900। मार्क प्राइस जब 900 निकल के आ गया है तुम्हारा और ये 160 निकल के आ गया है, तो 900 से तुम देखोगे कि 760 में कितने का डिस्काउंट मिला, तो तुम्हें दिख रहा होगा साफ साफ कि 140 रुपए का तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है और यही हमारे इस सवाल का आंसर है 140 रुपीज। ठीक है, तो हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि सेशन कैसा लगा। हम लोग फिर से बहुत ही जल्द प्रॉफिट एंड लॉस का एक और सेशन लेके आएंगे, सेशन लगातार आते रहेंगे, तो बने रहें हमारे साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, थैंक यू।